हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। तो उसके लिए मैंने राजमा को रात भर भिगो दिया था, अब हम इसको पका लेंगे। इसमें हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूँ 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा घी। अब हम इसको 3 से 4 सीटी लगाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 टमाटर, पूरा 1 बंच गार्लिक, 2 बिग ऑनियन, 5 से 6 काजू, 1 ग्रीन मिर्च और अदरक और लौंग। अब हम इनको बॉईल करेंगे। हमें इसे 2 मिनट तक बॉईल करना है अच्छे से। उसके बाद हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, तो हमारा मसाला जो बनेगा वो ग्रेवी बहुत ही शानदार बनेगी। तब तक से देखिए हमारे राजमा कितने अच्छे से पक गए। हमने इसमें 3 सीटी लगाई थी, मैंने इसको रात भर भिगो दिया था ओवरनाइट। और इनका साइज भी पहले से बड़ा हो गया है। ये देखिए, मन को इनको उबाल के 2 मिनट ही उबाला है। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए ये हमारे काजू टमाटर। बहुत गर्म है, थोड़ा इसको 2 मिनट ठंडा नहीं देंगे तब हम इसका ग्रेवी रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो हमने बॉईल किए थे मसाले वो ठंडे हो गए। अब हम इसका एक ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। और मैंने तेल गरम चढ़ा दिया है 2 चम्मच। इस चम्मच के लगभग मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, अब इसमें मसाला डालेंगे। अब इसमें हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, मिर्ची, धनिया, नमक। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे कम से कम 20-25 मिनट तक। हम इसको कम आंच पे छोड़ देंगे और मसाले को अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। देखिए इसने तेल भी छोड़ दिया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे राजमा। अब हम थोड़े से राजमा को ऐसे स्पून की सहायता से दबा देंगे ताकि ये इसकी ग्रेवी और अच्छी बने, थिक बनेगी, क्योंकि हमारे राजमा बहुत अच्छे से पक गई है। इसको ऐसे स्पून की सहायता से ऐसे मैश कर देंगे थोड़ा तो हमने इसमें पानी वही डाला जो हमने उबालने में लिया था। इससे हमारी ग्रेवी भी ठीक होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हम बना रहे हैं चावल। अब राजमा हमारे बन के रेडी। मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सॉल्ट और ये 1 टेबल स्पून घी। इससे हमारे जो राइस है बहुत ही खिले खिले बनेंगे। अब मैंने लिया है
राइस को मैंने धो के अब हम इसमें दो सीटी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे राइस कितने खिले खिले बने, देखिए।